एंकरिंग विद नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत सारे मित्रों के चैनल से जुड़े हुए सब्सक्राइबरों के व्यूअर्स के कमेंट आते कि सर मुझे मंच संचालन अमुक दिन करना है या मुझे भाषण देना है तो सर कैसे करें। तो भाई, करना तो आपको ही है, मैं सिर्फ कुछ बातें बता सकता हूँ और हो सकता है कि ये बातें आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर दें। तो जुड़े रहें अंत तक हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें नहीं किया और घंटी का बटन जरूर दबाएं। साथियों, पहले ये समझ लें कि ये मंच संचालन और भाषण देना होता क्या है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है कि हम उतना अच्छा ना कर पाए। तो सबसे पहली बात, भाषण। तो पहले भी कई बार बताया है कि भाषण एक साथ कई लोगों के साथ बात करना, भाषा का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होना, यह है भाषण। बात जब करते तो हमारे सामने एक व्यक्ति होता, हो सकता है कि दो लोग हो, तीन लोग हो, चार लोग हो, मोहल्ले में कई सारे लोग होते हैं, इकट्ठे होते हैं, चौपाल लगती है, आठ दस लोग हो, वो भाषण नहीं होता, वो भी बातचीत होती है। लेकिन जब कई सारे लगभग कम से कम 50 से 100, हो सकता है 20 से ज्यादा हो, जब संख्या बढ़ जाती है तो वहां फिर हम बोलते हैं और सभी सुनते हैं और वहां पर जो बात होती उसको हम भाषण बोलते हैं। अब बात आई मंच संचालन की। तो भाषण तो आप समझ गए कि एक साथ कई सारे लोगों को बोलना और उन तक सभी के जहन में, सभी के दिमाग में अपनी बात पहुंचा देना। अब आई बात मंच संचालन। तो देखिए, मंच संचालक उद्घोषक करता क्या है? तो देखिए, मंच संचालक बताता है कि कौन सा कार्यक्रम हो चुका और कौन सा कार्यक्रम होने वाला। मंच संचालक एक कड़ी होती है कार्यक्रम को करवाने वाला और कार्यक्रम में उपस्थित या कार्यक्रम का आनंद लेने वाले या कार्यक्रम को देखने वालों के बीच की। करवाने वाला क्या चाहता है कि जो देखने आए उन तक क्या पहुंचे, और देखने वाले क्या चाहते हैं कि हम क्या समझें, या जो आयोजक वो क्या कराना चाह रहा, क्या किस उद्देश्य से कराया गया। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो तारतम्य है, आप एक बीच की कड़ी का काम करते हैं। तीसरा, आपको जोड़ना है। 50 लोग कार्यक्रम देख रहे हैं तो कम से कम 45 लोगों का अटेंशन उस कार्यक्रम में होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे ही आपको लगे कि ये व्यक्ति इधर उधर उसका ध्यान जा रहा है तो आप उसको टारगेट करें, आप उसको कार्यक्रम में जोड़ें, ये आपकी जिम्मेदारी है, तभी आप एक सफल कार्यक्रम करवा सकते हैं। तो ये थी मंच संचालक की जिम्मेदारी। अब बात वहीं की वहीं रह जाती है कि सर ये करें कैसे, मुझे तो बहुत डर लगता है, मेरी तो हिम्मत जवाब दे जाती है, और फिर डीएम साहब होंगे वहां पर, मंत्री जी होंगे, इतने बड़े बड़े लोग होंगे। तो साथियों, आज मैं एक बात करना चाहूंगा, इस बात को आप महसूस कीजिए तो निश्चित ही आप कर पाएंगे। आप विचार कीजिए कि इतने सारे लोग सामने आपके बैठे, हो सकता है कोई भी हो, डीएम साहब हो, मंत्री जी हो, विधायक हो, आपके पार्षद हो, आपके प्रिंसिपल सर हो, आपके गांव के प्रधान हो। आप सोचिए कि इतने सारे लोग बैठे हैं सामने और मैं मंच पर हूं, तो आखिर कुछ ना कुछ ऐसी खास बात मुझ में है जो मुझे आज मौका मिला है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर कुछ था नहीं, अगर होता नहीं तो हो सकता आप भी भीड़ में होते या सामने होते या यहां होते ही नहीं, लेकिन आप मंच पर हैं तो आप सोचिए कि निश्चित ही प्रकृति ने, आपके समाज ने, आपके आसपास के लोगों ने ऐसी बात आपके अंदर देखी है, महसूस की है, जो आपको आज यहां मौका मिला। तो मौके पर चौका लगाने से बिल्कुल भी मत चूकिए। आप पहले तो आप अपने अंदर यही फीलिंग करिए कि आप स्पेशल हैं, और इन सब में आपके सामने कितनी भी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, लेकिन आपको यदि उनके सामने प्रस्तुत होने का मौका मिला तो निश्चित ही आपके अंदर कुछ विशेषता थी औरों की बजाय, खासकर जो लोग सामने बैठे, उस चीज को महसूस कीजिए। और आपके पास जो भी है, बेहिचक, कोई आपको फांसी पे नहीं चढ़ा देगा। आप खराब करेंगे
तब भी आपको कोई फांसी पे नहीं चढ़ाएगा, हो सकता है अगली बार आपको मौका ना दे। और अच्छा करेंगे तो हो सकता है कि तालियां बजें। तो आपको खराब नहीं करना। आप ये मत सोचिए कि ये लोग क्या कहेंगे। सब किसी के पास इतना समय नहीं, किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे। इस बात को तो जहन से निकाल ही दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और कुछ तो कहेंगे ही नहीं क्योंकि उनके पास समय ही नहीं। तो आप इस पूरी, आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी आपका अनुभव है, सब वहां पर आप झोंक दीजिए। और बिल्कुल आप सामने वाले को, बिल्कुल सामने वाले के ऊपर हावी रहिए, तभी आप एक अच्छे मंच संचालक या भाषण। और सोचिए कि देखिए, हमारे देश आज, हम स्वतंत्र देश में, इस देश को आजाद कराने के लिए नेहरू जी जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये करते क्या थे? इन्होंने अपनी भाषण शैली से पूरे देश को, उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपनी भाषण शैली से पूरे देश को एक छत्र के नीचे लेकर आए और देश को आजाद करा दिया। तो क्या हम उनके पदचिन्हों पर नहीं चल सकते हैं? क्या हम उनके इस देश में क्या बोलने से भी घबराते हैं? क्या हमें बोलने से भी डर लगता है? क्या हम इतने कायर हैं? वो देश के लिए जब इतना कर सकते हैं, तो आप भी अगर अच्छा बोलते हैं, आप बोल देते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, तो मान लीजिए आप भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं। आपने किसी भी विषय पर, पर्यावरण विषय है, दहेज है, नारी शक्ति, आप इन विषयों पर खुलकर बोल रहे हैं, आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो भाषण देते समय बिल्कुल भी ये मत घबराएं कि मुझे कुछ आता नहीं। पढ़ने के लिए किसी भी विषय पर आप भाषण देने जा रहे हैं, उससे संबंधित पत्र पत्रिकाओं से आप, या फिर किसी किताब से, इस गूगल से, कहीं से भी आपने सामग्री ले ली, यूट्यूब से सामग्री ले ली, और बस उसको आपको बोल देना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और मंच संचालन, तो आपकी जो वाक शैली, उसका अभ्यास कर लीजिए। हिंदी फिल्मों के महान उद्घोषक अमीन सयानी, बहनों और भाई, अमिताभ बच्चन, देवियों और सज्जनों, इन दो शब्दों को बोलते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज जाती थी। तो आप बोलें इतना अच्छा कि सामने वाला बिल्कुल आपका हमदर्द बन जाए, आपका हितैषी बन जाए, आपका अपना लगने लगे, आप उसके लगने लगे। आप इस तरह बोलिए और निश्चित ही आप सफलता पाएंगे। और फिर अंत में मैं यही बात कहना चाहूंगा कि कोई भी रोम बाजनाथ बिल्ट इन वन डे, एक दिन में कुछ होता नहीं। माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल, जब वो सौ बार घड़ा से पानी सींचता तब कहीं ऋतु आने पर फल आते हैं। ऐसा नहीं कि घड़े सींच दिए, सौ घड़े डाल दिए तो फल, तो समय तो लगेगा भाई। एक बार अभ्यास करिए, दो बार करिए, तीन बार करिए, एक बार कार्यक्रम करिए, फिर वहां से आप असफल हो जाए तो दूसरी जगह कार्यक्रम पकड़ लीजिए, वहां से असफल हो जाए तो आप तीसरी जगह, नहीं वो आपको दोबारा नहीं बुलाता कोई बात नहीं, आप दूसरा ग्राहक, दूसरा कस्टमर, दूसरा स्टेज तलाशिए, वहां पर आप अपना प्रयास करिए। और कई बार आप असफल होंगे, लेकिन हर बार नहीं असफल होंगे, निश्चित ही आप सफलता पाएंगे। बस यही कहना चाहता हूं कि आप निश्चित ही एक सफल वक्ता, सफल भाषणकर्ता, सफल उद्घोषक बनेंगे। बस मैं नहीं करवा सकता हूं, कोई नहीं करा सकता, सिर्फ आप ही खुद को एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं। साथियों, जुड़े रहें हमारे साथ और निश्चित ही आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहूं। धन्यवाद।